वो हमारे लिए क्या है, इलास्टिक गुड्स है। बिकॉज तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक गुड्स के बारे में। इलास्टिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल नहीं होते हैं, जिनके बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें इनइलास्टिक गुड्स, तो इनइलास्टिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल गुड्स होते हैं और जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे वाटर, वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया, इनइलास्टिक का। सॉल्ट किसका एग्जाम्पल हो गया, इनइलास्टिक का। मेडिसिन किसका एग्जाम्पल हो गया, इनइलास्टिक का। तो ये गुड्स हो गए इनइलास्टिक, जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। और वहीं अगर इलास्टिक गुड्स की बात करें, तो इलास्टिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, हम उसके बिना जीवित रह सकते हैं। जैसे ब्रांडेड क्लॉथ्स, लग्जरी कार्स, ब्रांडेड वॉचेस, तो ये सब चीजें जो है वो हमारे लिए क्या है, इलास्टिक गुड्स है, बिकॉज इसके बिना हम जीवित रह सकते हैं। अब हो सकता है जो गुड्स आपके लिए इलास्टिक हो, वो किसी और इंसान के लिए क्या हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है। जैसे एक अल्कोहलिक पर्सन है, उसको शराब चाहिए ही चाहिए, वो हैबिचुअल हो चुका है, तो उसके लिए अल्कोहल क्या हो जाएगा, उसके लिए अल्कोहल हो जाएगा इनइलास्टिक। एक मेडिसिन लेने वाला बंदा है, या एक ऐसा बंदा है जो बीमार है, उसको मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, तो मेडिसिन हो सकता है आप और हमारे लिए मेडिसिन क्या हो, हमारे लिए इलास्टिक हो, लेकिन उस इंसान के लिए मेडिसिन क्या हो सकती है, इनइलास्टिक होती है। तो वो इलास्टिक और इनइलास्टिक भी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कौन उसका हैबिचुअल है और किसको उसकी नीड है, किस चीज के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। आपके लिए कौन सा गुड्स इलास्टिक है और आपके लिए कौन सा गुड्स इनइलास्टिक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।